सीएनआरसी आप लागू नहीं कर सके और आगे भी नहीं कर पाएंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इसी बार इसी चुनाव में मोदी को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। और यह जिम्मेदारी आपकी है, यह जिम्मेदारी आपकी है साथियों, यह ध्यान रखना। यह चुनाव किसी पार्टी विशेष का नहीं है, यह चुनाव किसी गठबंधन का नहीं है, यह चुनाव आपका और हमारा है। आपका हमारा यानी जनता का सीधा मुकाबला इस देश के तानाशाह से है। हर दिन जो स्पीच दी जा रही है प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के माध्यम से नफरत से भरी हुई और विशेषकर मुस्लिम समाज के प्रति उनकी नफरत से भरी हुई स्पीचें, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं इसीलिए चुनाव आयोग को मोदी का गुलाम कहता हूं। वो विश्व गुरु बनेगा, अब अनपढ़ बने जाते विश्व गुरु, पढ़ा लिखा तो होना चाहिए कम से कम, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है तो उसे शिक्षा की पता क्या है, पढ़ाई लिखाई की कमी क्या है उसके हाथ में। इसलिए वो चाहता है कि इस देश के तमाम बच्चे आने वाली पीढ़ियां अनपढ़ रह जाएं। हमें वोट डालनी है, ज्यादा से ज्यादा वोट डालनी है। अगर हमारी कमजोरी की वजह से इस देश को तबाह करने वाला मोदी जीत कर आ गया तो न आप न हम कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। ये चीजें ध्यान रखना। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. लेकिन जिस तरह से उनके साथियों ने मुझे बताया, बड़ा मन में एक मलाल सा आता है कि काश मैं भी कमरुल इस्लाम साहब से मिल पाता, कुछ राजनीति सीख पाता, कुछ दुनियादारी सीख पाता। खैर, जो नहीं हो सका। तो साथियों, मैं जो आपके बीच में कह रहा था कि जिस तरह के हालात इस देश के प्रधानमंत्री ने, मैं प्रधानमंत्री ही संबोधित इसलिए करूंगा कि सरकार का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि सरकार तो भारत सरकार हुआ करती थी, पर अब वो मोदी सरकार है और मोदी सरकार भी हट के अब केवल मोदी की गारंटी रह गई है। तो सीधे सीधे उन्हीं के लिए बात करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तो जिस तरह की हालात पिछले 10 साल में लगातार मोदी सरकार ने इस देश के लोगों के सामने खड़े कर दिए हैं, ऐसे हालात देश में कभी नहीं थे। मैं 2-3 आंकड़े आपके सामने रखूंगा, आप उनसे हालात कितने गंभीर हैं इसको समझ सकते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि देश की सेना को और देश के सरकारी अधिकारियों को कोई प्रधानमंत्री अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करे, लेकिन मोदी ने किया है। संविधान के विरुद्ध काम किया, कानून के विरुद्ध काम किया, और कोई भी संस्था, कोई भी संवैधानिक संस्था, उसने कुछ विरोध नहीं किया, कोई भी कदम उनके खिलाफ नहीं उठाए। यहां तक कि चुनाव आयोग हर दिन जो स्पीच दी जा रही है प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के माध्यम से, वो घृणा से भरी हुई, नफरत से भरी हुई और धर्म पर आधारित और विशेषकर मुस्लिम समाज के प्रति उनकी नफरत से भरी हुई स्पीचें, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं इसीलिए चुनाव आयोग को मोदी का गुलाम कहता हूं। अगर वो स्वतंत्र होता तो काम करके दिखाता, प्रधानमंत्री है तो कोई भी है। चुनाव के दौरान जितनी ताकत इलेक्शन कमीशन के पास होती है, इतनी किसी के पास नहीं होती। केंद्र में सरकार होती है तो केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी उसके हाथ में होते हैं, राज्य सरकार होती है तो राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी उसके हाथ में होते हैं, लेकिन केवल चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य के तमाम सरकारी कर्मचारी अकेले चुनाव आयोग के हाथ में होते हैं, उसके कंट्रोल में होते हैं। जिसका चाहे तबादला करते हैं, जिसको चाहे हटाते हैं, जिसके चाहे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करते हैं। इतनी ताकत होते हुए भी, और जिस समय 16 मार्च को चुनावों की तारीखों की घोषणा की गई, उसमें जो बात चुनाव आयोग ने की, उन सबको एक साइड में रख के आज तक जरा भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं की है। और ये वो प्रधानमंत्री है जिसने इस देश के सामने भयानक बेरोजगारी,
बेरोजगारी खड़ी कर दी है। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट ये कहती है कि देश में जितने भी बेरोजगार हैं वो बेरोजगारों में युवा यानी नौजवान जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनकी संख्या 83% है, 83%। ऐसा आंकड़ा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, यानी 100 बच्चे अगर बेरोजगार हैं तो उनमें से केवल और केवल 83 नौजवान बच्चे हैं। इन्हीं से पता लगती है कि देश की स्थिति क्या है। एक और आंकड़ा आपके साथ में लेता हूं, वो भी सरकार की एजेंसी है जिसके द्वारा अभी अभी सर्वे किया गया, पिछले 10-12 दिन हुए होंगे। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है आपके सामने आना, इसको जानना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, एक संस्था है CSDS और लोक नीति, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में पता लगा कि इस देश में जिस हिंदुत्व की बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं उस हिंदुत्व को इस देश में कोई नहीं चाहता। मात्र 2% लोग इस देश में हिंदुत्व की बात करते हैं। दूसरा, जिस हिंदू धर्म या हिंदू मंदिर की राम मंदिर की बात करते हैं उसका जो आंकड़ा उन्होंने दिया, 8% लोग सिर्फ मंदिर की बात करते हैं, सिर्फ 8%। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन मोदी ने कहा था कि आप हर घर में दिए जलाएं, दिवाली मनाएं। मैं जहां पर रहता हूं गाजियाबाद में, दिल्ली से लगा हुआ गाजियाबाद राजेंद्र नगर कॉलोनी, उसमें 90% लोग बीजेपी के कट्टर हैं। और मैं इसीलिए खासकर जान के पूरी कॉलोनी का सर्वे किया, जायजा लिया, 40-50% घरों में ना कोई दिया था, ना दिवाली थी, ना कोई पटाखा था, उन घरों में जो कट्टर है बीजेपी के। ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि तुम्हारे मंदिर के मुद्दे को लोग भूल चुके हैं, तुम्हारी हिंदुत्व की जो राग अलाप रहे हो लोग इसे नहीं पसंद करते। और इसीलिए सीएसडीएस लोक नीति का जो सर्वे आया उसमें यह हालत थी कि मंदिर को 8% लोग और हिंदुत्व को केवल 2% लोग मान रहे हैं। उसमें 57% लोग क्या मुद्दा मान रहे हैं, वो मान रहे हैं महंगाई। इस देश में महंगाई सबसे ज्यादा है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। और इस देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों के दूध से लेकर उनकी कॉपी कलम पेंसिल इस तक पे टैक्स लगा दिया। ये स्थिति इस देश के प्रधानमंत्री ने कर दी। तो लोगों के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई, और उसके बाद जो मुद्दा आता है वो है रोजगार यानी बेरोजगारी, जो भयानक बेरोजगारी है। ये मुद्दा लोगों के सामने है और जिस मुद्दे को लेकर वो चल रहे हैं वो मुद्दा ही नहीं है साथियों। और इस सब से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कोई काम नहीं है। आपने सुना होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि पिछले 10 साल में मोदी ने जो कर्जा लिया है वो कर्जा 150 लाख करोड़ लिया, 150 लाख करोड़। देश में पिछले 64 सालों में यानी जब से देश आजाद हुआ और पहली बार चुनाव हुए उसके बाद से लेकर 2014 तक 64 साल में इस देश ने केवल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था 64 साल में, और मात्र 10 साल में मोदी ने 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया। तो आप सब खुलकर से पूछो भाई, ये जो कर्जा लिया 10 साल में 150 लाख करोड़, इसका किया क्या तुमने? लोगों को कितना रोजगार दिया? लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हुआ? क्या लोगों को डॉक्टर अस्पताल दवाई मिले? नहीं मिले। रोजगार मिला? नहीं मिला। लोगों को शिक्षा मिली? नहीं मिली। बल्कि नई शिक्षा नीति ला के इस देश के बच्चों से शिक्षा उनसे छीन ली। आज ही मैं एक आंकड़ा देख रहा था और आप तो देखेंगे आंकड़ा कितना
में चौंकाने वाला है। ये नई एजुकेशन जो पॉलिसी है इसकी वजह से हुआ है। और वो आंकड़ा है कि 40 लाख बच्चे 46 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ चुके हैं, मतलब उनके मां बाप के पास में फीस देने के लिए पैसा नहीं है। आप कहते हैं कि देश जो है वो विश्व गुरु बनेगा, अब अनपढ़ बनेगा तो विश्व गुरु पढ़ा लिखा तो होना चाहिए कम से कम, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है तो उसे शिक्षा की पता क्या है, पढ़ाई लिखाई की कमी क्या है उसके हाथ में। इसलिए वो चाहता है कि इस देश के तमाम बच्चे आने वाली पीढ़ियां अनपढ़ रह जाए। ये आंकड़ा डराने वाला है और ये सब इसलिए किया गया है ताकि सब लोग, वो लोग जो इस देश के असली बासिंदे हैं, ये देश केवल मोदी का नहीं है, उसके बाप का नहीं है, ये देश आपका भी और हमारा भी है। और जिस तरह से मुस्लिम समाज को, शोषित पीड़ित समाज को बदनाम करने की और बेइज्जत करने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री ने की है, किसी भी हालत में हम उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सीएनआरसी के दौरान मैंने लगातार कानूनी सारी पोजीशन आपको समझाई और यह भी कहा कि मोदी में अगर दम है तो सीएनआरसी लागू करके दिखाए, लागू नहीं किया, पर इस चुनाव से ठीक पहले लागू किया, इस चुनाव से ठीक पहले। और वह यह समझ रहा है कि लागू करके आप इसको पूरी तरह से अमल में ले आओगे, जो चाहते हो कर लोगे। पर मोदी जी, हम किसान आंदोलन में 13 महीने लड़े, आपको घुटनों पर ला दिया, आप घुटने पर आए और कृषि कानून आपने वापस लिए। ठीक इसी तरह से सीएनआरसी आप लागू नहीं कर सके और आगे भी नहीं कर पाएंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इसी बार इसी चुनाव में मोदी को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। और यह जिम्मेदारी आपकी है, यह जिम्मेदारी आपकी है साथियों, यह ध्यान रखना, यह चुनाव किसी पार्टी विशेष का नहीं है, यह चुनाव किसी गठबंधन का नहीं है, यह चुनाव आपका और हमारा है, आपका हमारा यानी जनता का सीधा मुकाबला इस देश के तानाशाह से है। और उस तानाशाह को हम धूल में मिलाकर रहेंगे, यह हमारा प्राण है बिल्कुल, इसीलिए मैं दिल्ली से चल के यहां तक आया हूं। लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं साथियों, आपको किसी से घबराने की डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इस बात को तय करना है कि किसी भी सूरत में आपकी किसी कमी की वजह से, आपकी किसी कमजोरी की वजह से, या कहीं किसी कैंडिडेट से या किसी वर्कर से मन में कोई आप को ऐसी भावना ना रखे कि नहीं यार ये मेरे पास आया नहीं, ये वोट मांगने नहीं आया तो मैं वोट नहीं दूंगा। नहीं, कैंडिडेट सबके पास नहीं जा सकेगा। 1700 बूथ है यहां पर, 1700 बूथ, क्या समझते हैं कि एक महीने में कैंडिडेट सबके पास चला जाएगा? नहीं जा सकेगा ना, कैंडिडेट्स के वर्कर भी नहीं जा पाएंगे, सब लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि कैंडिडेट आए या ना आए, पार्टी का वर्कर कोई आए ना आए। आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं, सारी परिस्थिति आपके सामने है और आप पर ही सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। और मैं समझता हूं, मुझे तो बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप उस इंसान को मानने वाले हैं जिस इंसान का स्कूल पर गांव में नाम रहा है, आज भी नाम है, और वो है कमरुल इस्लाम साहब। आपको उन्हें ध्यान रखना है, वो किस तरह से आपके लिए लड़े, किस तरह से आपके लिए जिए, किस तरह से उन्होंने आपको लड़ना सिखाया, जीना सिखाया, उस इंसान को याद रखना। और उस इंसान की जीवन संगनी आपके बीच में मेरी बड़ी बहन कनीज फातिमा जी हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओगे, ये जिम्मेदारी है आपकी, तो आप इनको मजबूत करोगे, इनको मजबूत करोगे, और इनको मजबूत करना आप सबकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी से आप मुकर नहीं सकते हैं साथियों, और जितनी भी मजबूती से आप इनको जिताएंगे, हो सकता है आने वाले समय में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनती है तो यहां भी कर्नाटक में जब सरकार का विस्तार होगा, मुझे पक्का विश्वास है कि बहन कनीज फातिमा को
केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो आपकी ताकत पर निर्भर है, वो आपकी मेहनत पर निर्भर है। और साथियों, ये अस्तित्व का सवाल है, आपके हमारे अस्तित्व का सवाल है कि सही सूचना और सच लोगों तक पहुंचाए। लेकिन मीडिया ने वो काम नहीं किया, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से मोदी सरकार ने खरीद लिया, कुनाल बना लिया, और जो वो चाहते हैं मीडिया आपके सामने केवल वही बात करता है। आज जो सूचना आपको मिल रही है वो केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। सर, आज आप और मैं, अगर आप मुझे जानते हैं तो किसने जानते हैं? सोशल मीडिया के बदौलत। सोशल मीडिया ने सीएनआरसी का आंदोलन पहुंचाया तो आप मुझे जानते हैं। 13 महीने किसान आंदोलन में संघर्ष किया हमने तो आप सोशल मीडिया की बदौलत हमें जानते हैं। ईवीएम के खिलाफ 30 मई 2019 से लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं, और अब वो आंदोलन यहां से पहुंचा है कि आज फिर से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछे गए हैं, जजमेंट जो है क्या होगा नहीं जानते, उम्मीद कम है, और फिर भी लड़ाई यहां तक पहुंची। इसी ईवीएम के खिलाफ जो हम बोलते थे तब कोई कोई इस बात को कहता था, लेकिन आज की तारीख में इस देश के 90% से ज्यादा लोग ईवीएम और वीवीपैट के खिलाफ है, उससे चुनाव होने देना नहीं चाहते, लेकिन चुनाव ईवीएम और वीवीपैट से हो रहा है। मेरा आप सबसे बात खुशी की बात है कि यहां पर पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथी यहां पर बैठे हैं, जो इस पूरे चुनाव को बहुत सलीके से, बहुत तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। मैं साथियों एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, हमें दो जगह बात मुस्तैद रहना। मैं जो कैंडिडेट हैं उनसे भी, और जो टीम के और साथी हमारे साथी हैं नेता हैं उनसे भी, और आप सबसे भी, क्योंकि आप ही में से वह लोग होंगे जो काउंटिंग एजेंट भी बनेंगे और जो पोलिंग एजेंट भी बनेंगे। ध्यान रखने की जरूरत है कि पोलिंग एजेंट जब बने जो साथी, वो ऐसा होना चाहिए पोलाद का, जिस समय से घुसे और जिस समय तक सील होकर मशीनें जाए वहां से, स्ट्रांग रूम के लिए हिलने वाला नहीं होना चाहिए। और इसको ध्यान रखनी है क्या चीजें, मैं बता रहा हूं साथियों, और वो चीजें हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो इलेक्शन एजेंट है, वो भी इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। यहां 7 मई को चुनाव होना है, 7 मई से पहले, एक हफ्ते पहले, शायद 7-8 दिन पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके पास लेटर आएगा और आपको बुलाया जाएगा कमीशनिंग के लिए, उसे कमीशनिंग बोलते हैं, जिसमें एसएलयू यानी सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से सिंबल लोड किया जाएगा मशीनों में। 1700 के लगभग पोलिंग बूथ है, वो काम लगभग 2 से 3 दिन चलेगा। उसमें जो चीजें ध्यान रखनी है ईवीएम और वीवीपैट मशीन के सिलसिले में, जितनी मेरी जानकारी है, मैं ये नहीं कहता कि सर्व ज्ञाता हूं, पर फिर भी जितना मैं समझता हूं, अगर इन सब चीजों पर ध्यान रखा गया तो हम निश्चित रूप से बहुमत से चुनाव जीतेंगे, हम ईवीएम और वीवीपैट की गड़बड़ी को रोक पाएंगे। साथ जिस समय मशीनें दिखाई जाती हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट जिस समय उसके माध्यम से सिंबल लोड किया जाता है, जो कंट्रोल यूनिट है, जो बैलेट यूनिट है और जो वीवीपैट है, ये मशीनें खोल के दिखाई जाती है। इनमें बाकायदा अंदर की तरफ सील लगी होती है, जैसे आप कहें, ये मान लीजिए, आप इसे समझिए कि ये कंट्रोल यूनिट है। इस कंट्रोल यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, एक ऊपर ये जहां पर वो दिखता है, जिस समय काउंटिंग होती है तो नंबर ज्यादा दिखते हैं, वही एक होता है, एक ये बीच का हिस्सा होता है, एक नीचे, और इसमें सामने जब ये ढक्कन की तरह खुलते हैं आपको दिखाया जाता पूरा, 10 पेच लगे तो स्क्रू लगे होते हैं, उन पर सील होती है, वो सील होती है ग्रे कलर की यानी पानी के कलर की, बिल्कुल पारदर्शी होती है। ये बात ध्यान रखें, वो सील हर स्क्रू पर होनी चाहिए, वो ऐसी नहीं होती किसी स्क्रू पर नहीं है तो आप कहते नहीं कोई बात नहीं, अगर किसी भी स्क्रू पर सील नहीं है इसका मतलब है मशीन टेम्पर्ड है, उससे छेड़छाड़ी की गई है, या किसी मशीन की जो उसके स्क्रू पर सील है वो टूटी हुई है, उसको भी किसी हालत में वहां पर इस्तेमाल नहीं होने देना है। उसके बाद में जब मशीन पूरी तरह से बंद कर दी जाती है तो उसके ऊपर एक पिंक कलर की
यानी हमने गुलाबी कलर की एक सील होती है जो पहले लगती थी मशीन पर पूरी चारों तरफ लगती थी, अब इतनी चौड़ी के लगभग होती है और यहां से लेकर यहां तक होती है, कागज की सील होती है, वो किसी भी हालत में टूटी फटी नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। किसी भी हालत में अगर है तो आप उसको हटाइए, उसका इस्तेमाल मत होने दीजिए। यही होता है वीवीपैट का। और इसके साथ साथ एक और चीज है जिसको बहुत ध्यान रखना है कि जिस तरह मशीन आप दिखाई जा रही है आपको, तो पीछे एक स्टिकर लगा होता है हरे कलर का, ये कलर ध्यान रखिए, हरे कलर का स्टिकर होता है। उस स्टिकर पर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ये कौन सा प्रदेश है, तो कर्नाटक है, ये कौन सा इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन 2024 लोकसभा, और तीसरा होता डिस्ट्रिक्ट, तो गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन होती है वो उस कंट्रोल यूनिट का, बैलेट यूनिट का और वीवीपैट का नंबर होता, हर मशीन का अपना एकमात्र अकेला यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो उस ग्रीन कलर की पर्ची पर लिखा होता और वो हाथ से लिखा होता है। जो यहां का रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो अपने हाथ से लिखता है, उसी समय लिखेगा। और ठीक इसी तरह से उसमें नंबर होता है उसका स्टेशन का या बूथ नंबर, वो भी हाथ से लिखा होता है, और उस पर साइन होते हैं दो लोगों के, उस इंजीनियर के जो मशीन यूज कर रहा है, जिस कंपनी से है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से या इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीआईएल से, उसका जो इंजीनियर ऑपरेट करता है उसके सिग्नेचर होते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं। इन सारी चीजों का ध्यान जरूरी है, हर चीज बाकायदा देखें, और जिस समय वोट पड़े मॉक पोल से लेकर लास्ट तक जिस समय तक सील हो, फॉर्म 17C, 17C मिलेगा, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होंगी, जो हमारे काउंटिंग एजेंट, जो हमारे पोलिंग एजेंट होंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जब तक ये सारी चीजें हासिल न कर लें, और उस पर पूरी इंफॉर्मेशन वीवीपैट का नंबर, कंट्रोल यूनिट का नंबर और बैलेट यूनिट का नंबर, पोलिंग स्टेशन का नंबर, ये सारी चीजें जब तक उनके पास ना हो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को छोड़े नहीं। और उसके बाद में ये सारा कंट्रोल करके हमारे जो कैंडिडेट है उनको दिया जाए, जो उनके देखभाल करने वाले साथी है, बाकायदा उसकी लिस्ट बनाए कि ये मशीनें यूज हुई है, और काउंटिंग के समय हर काउंटिंग एजेंट के पास में वो होना चाहिए, जिस समय मशीन खुल रही है, वोटें बताई जा रही है, उस समय उससे मिलान करें कि हाँ यही मशीन है जो यूज हुई थी। इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। बहुत समय मुझे दिया, इंफॉर्मेशन देना जरूरी था, इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था, आपको मैंने दी। ध्यान रखिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, सभी लोग मंच पर हैं, सबको बोलना है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बार फिर कहते हुए, ये चुनाव आपका चुनाव, कोई भी साथी अगर शिकायत करनी है तो चुनाव के बाद करना, चाहे कैंडिडेट से या जो यहां के विधायक है या कार्यकर्ता है, बाद में करना। अभी केवल एक ध्यान रखना है, हमें वोट डालनी है, ज्यादा से ज्यादा वोट डालनी है। अगर हमारी कमजोरी की वजह से इस देश को तबाह करने वाला मोदी जीत कर आ गया, तो ना आप ना हम कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। ये चीजें ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.